हेलो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द परसिस्टेंस मेथड। आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं या किसी स्टेशन के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, दैट इज कि व्हाट शुड अ स्टेशन डू इफ दिस चैनल इज बिजी। अगर चैनल बिजी है तो स्टेशन क्या करेगा, या अगर चैनल आपका आइडियल है देन आपके स्टेशन को क्या करना है। सो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए देर आर थ्री मेथड्स, और उन मेथड्स को हम कहते हैं परसिस्टेंस मेथड। पहला होता है फर्स्ट परसिस्टेंट मेथड, दूसरा होता है नॉन परसिस्टेंट मेथड, एंड लास्ट इज द पी परसिस्टेंट मेथड। सो वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस परसिस्टेंट मेथड इज वर्क। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट परसिस्टेंट मेथड। फर्स्ट परसिस्टेंट मेथड जो होता है, इट इज एन सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इन फर्स्ट परसिस्टेंट मेथड में क्या होता है कि आपका जो स्टेशन होता है, इट सेंसेस द मीडियम, एंड वेन एवर स्टेशन फाइंड्स दैट द चैनल इज आइडियल, whenever station finds that the channel is ideal, it starts transmitting its data. But इसमें problem क्या हो सकती है कि हो सकता है कि at a time दो से तीन stations क्या हो रहे हैं आपके channel को sense कर रहे हो, और जैसे ही उन stations को feel हुआ कि that is the channel is ideal, they start sending their data. So in this method there is a probability of collision is more. तो इस मेथड को हम कहते हैं फर्स्ट परसिस्टेंट मेथड। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि जो स्टेशन हैं वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आपको सेंस कर रहे हैं, कंटिन्यूसली सेंस कर रहे हैं। और जैसे ही उनको लगा कि अच्छा ये आप यहाँ पर क्या हो रहा है, चैनल आपका आइडल हो रहा है, देन उन्होंने क्या किया कि अपने डेटा को ट्रांसमिट कर दिया। और दो से तीन से ज़्यादा आपके स्टेशन सेंस कर सकते हैं, और जैसे वो ट्रांसमिट करेंगे देन देयर इज अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉलिजन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉन परसिस्टेंट मेथड। नाउ व्हाट इज नॉन परसिस्टेंट मेथड। नाउ नॉन परसिस्टेंट मेथड की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि एवरी स्टेशन जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेंसेस द मीडियम। इफ इट फाइंड्स दैट द मीडियम इज बिजी, देन जो आपका स्टेशन होता है वो वेट करता है रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। तो जैसे ही वो वेट करेगा रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, देन अगेन इट सेंड्स द चैनल, और चैनल सेंड कर रहा है, देन अगेन उसको बिजी लगता है, देन अगेन वो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपका जो स्टेशन है वो वेट करता है। एंड whenever द स्टेशन फाइंड्स दैट द चैनल इज आइडियल, द चैनल इज आइडियल, इमीडिएटली इट ट्रांसमिट्स द डेटा। सो बाय यूजिंग द नॉन परसिस्टेंट मेथड, इट इज लेस पॉसिबिलिटी दैट देयर इज अ कोलिजन कैन अकर, बिकॉज रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम में दो स्टेशन एक साथ डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी कि हो सकता है अगर एक स्टेशन जिस समय डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो दूसरा स्टेशन क्या है, वो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट कर रहा है। लेकिन अगर इस मेथड की हम बात करते हैं नॉन परसिस्टेंट मेथड में, तो इसमें हम देखते हैं क्योंकि हम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस ड्यूरेशन में कोई भी चैनल बिजी नहीं है, आपका चैनल क्या है आइडियल है, तो क्या हो रहा है कि जो आपका जो चैनल आपको जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता था वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इस नॉन परसिस्टेंट पे नहीं होता है, क्योंकि इस समय देख रहे हैं कि आपका चैनल आइडियल है, और इस आइडियल चैनल में भी होने पे भी कोई भी आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। देयरफॉर इसमें फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द चैनल इज नॉट पॉसिबल। दैट इज नॉन परसिस्टेंट मेथड होता है, रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द नेटवर्क, बिकॉज हम इसको फुल यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। Now we will talk about the P persistent method, which is the third method of the persistent method. Now ये जो method होता है it is used if the channel has the time slots, and जो slot का duration जो रहता है which is equal to or greater than होता है maximum propagation time के। तो propagation time आपको मालूम होता है that is the amount of time which is taken by a frame to send from one end to another end. तो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे हम प्रोपेगेशन टाइम कहते हैं। तो जो टाइम स्लॉट्स का जो विड्थ होती है या टाइम स्लॉट जो बनाया जाता है वो उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, प्रोपेगेशन टाइम के बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा हो सकती है। अब पी परसिस्टेंट मेथड जो होता है, अभी तक हमने जो दोनों मेथड पढ़े हैं, दैट इज पहला आपने जो अभी दोनों मेथड देखे थे हम बात करें, दैट इज अगर वन परसिस्टेंट मेथड और नॉन परसिस्टेंट मेथड जो होते हैं उन दोनों मेथड्स को क्या करते हैं, दोनों मेथड्स के जो एडवांटेजेस होते हैं उन दोनों के एडवांटेजेस को यूज करता है, एंड इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉलिजन एंड ऑल्सो इम्प्रूव द एफिशिएंसी। नाउ ये जो मेथड होता है, इन दिस मेथड, जैसे अगर पी परसिस्टेंट मेथड की बात करते हैं या जिसे पी मेथड भी कहा जाता है, ये जो मेथड होता है इट फॉलोज द थ्री टू फोर सिंपल स्टेप्स।
3 to 4 simple steps को use करके it increase the efficiency and reduce the chances of collision. Now पहले step क्या होता है कि that is with the probability p the station sends its frame कि कोई भी जो station होगा with probability p वो अपनी frame को send करता है and with probability q where q is equal to 1 minus p जो station होता है waits for the beginning of the next time slot and checks the line again. अगर आपको चैनल बिजी मिलता है तो आप सेकंड पॉइंट को फॉलो करते हैं कि जो आपका जो स्टेशन होता है Q इक्वल टू 1 माइनस P टाइम के लिए क्या करता है आपका वेट करता है और जैसे ही नेक्स्ट टाइम स्लॉट शुरू होने वाला होता है तो नेक्स्ट टाइम स्लॉट शुरू होते ही वो अपने डेटा को क्या करता है ट्रांसमिट करता है. लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम स्लॉट शुरू होते ही आपको अगर तीन चीज़ें मिलती हैं अगर नेक्स्ट टाइम स्लॉट शुरू होते ही आपको दो से तीन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि अगर लाइन आपकी आइडियल है देन हम क्या करते हैं स्टेप वन में चले जाते हैं. स्टेप वन में क्या होते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी पी के जरिए आप क्या करते हैं स्टेशन जो होता है वो फ्रेम को ट्रांसमिट कर देता है. लेकिन अगर लाइन बिजी होती है तो इट एक्ट्स एज अ कॉलिजन हैज अकर्ड कि लगता है कि अच्छा कहीं कॉलिजन हो चुका है एंड यूजेस द बैक ऑफ प्रोसीजर. बैक ऑफ प्रोसीजर में आपने देखा था कि दैट इज रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए क्या होता है वेट करता है. तो पी परसिस्टेंट मेथड इज बेटर देन द वन परसिस्टेंट मेथड एंड द नॉन परसिस्टेंट मेथड बिकॉज पी हमने वन परसिस्टेंट मेथड में देखा था कि आप लगातार आप जो मीडियम होता है या जो चैनल होता है उसे सेंस करते हैं. वहीं वन परसिस्टेंट मेथड में क्या होता है कि आप रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करते हैं और जैसे ही आपको आइडल लगता है आप डेटा को ट्रांसमिट कर देते हो. बट पी जो आपका नॉन परसिस्टेंट मेथड था उसमें जो प्रॉब्लम थी कि दैट इज जो नेटवर्क होता है वो फुल एफिशिएंट नहीं होता है बिकॉज समटाइम्स जब आइडियल भी रहता है तब भी आप अपने डेटा को ट्रांसमिट नहीं करते हैं. वहीं पी परसिस्टेंट मेथड जो होता है आपके दोनों एडवांटेजेस को यूज करता है. इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ कोलिजन एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड फॉलो द सम सिंपल थ्री सिंपल स्टेप्स दैट इज विद प्रोबेबिलिटी पी इट सेंड्स इट्स फ्रेम एंड विद प्रोबेबिलिटी क्यू दैट इज 1 माइनस पी. एक बार जब वो डेटा को सेंड कर देता है देन वो क्यू टाइम के लिए क्या करता है वेट करता है और वो नेक्स्ट टाइम स्लॉट जैसे ही उसके पास रिसीव होता है तो वो कुछ लाइंस को फॉलो करता है कि अगर लाइन आपकी आइडल है देन वो क्या करता है पी प्रोबेबिलिटी के साथ अपने डेटा को ट्रांसमिट कर देता है और अगर लाइन बिजी है देन इट्स एक्ट्स एज अ कॉलिजन हैज अकर्ड एंड यूजेस द बैक ऑफ प्रोसीजर.